हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश कोरे। हमने आज तक हजारों स्कॉलर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के इंटरव्यू लिए हैं। उसके बाद जो अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने आई है, उसमें से एक है साइंटिफिक सेल्फ स्टडी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ कि स्कॉलर स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करने के लिए किस तरह की साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करके अपने परसेंटेज बहुत ही आसानी से बढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सेल्फ स्टडी क्या होती है। आपको दो पॉइंट्स याद रखने होंगे। फर्स्ट, टीचर ने लेसन पढ़ाने से पहले जो हम घर पर पढ़ाई करके जाते हैं, तो वो होती है सेल्फ स्टडी। और सेकंड, सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ स्टडी तब होती है जब टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाने के बाद हम उसी दिन जो घर पर आके पढ़ाई करते हैं, तो वो होती है इम्पॉर्टेंट सेल्फ स्टडी। एजुकेशन एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाने के बाद सेम डे घर पर अगर उस लेसन की सेल्फ स्टडी होती है, तो उस लेसन की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में और बढ़ती है और उसी लेसन का नॉलेज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत ही आसानी से चला जाता है। स्कॉलर स्टूडेंट्स और अन्य स्टूडेंट्स में यही डिफरेंस होता है कि स्कॉलर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इस बात पर बिलीव करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमें टीचर ने स्कूल में या क्लासरूम में लेसन पढ़ाने के बाद उसी दिन सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और अन्य स्टूडेंट्स पढ़ाए गए लेसन की उस ही दिन सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। इससे जब वो लेसन एग्जाम के पहले या बीच में कभी भी पढ़ते हैं या एग्जाम के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो उन्हें वही लेसन नया लगता है और फिर याद करने के लिए उनकी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होती है। अगर आपको बेहतरीन सेल्फ स्टडी करके आपके परसेंटेज बढ़ाने हैं, तो सेल्फ स्टडी करते समय आप इन बातों को फॉलो करो। फर्स्ट, सेल्फ स्टडी की एक ही जगह होनी चाहिए। सेकंड, सेल्फ स्टडी करते समय पानी की बोतल साथ में लेकर बैठे, ताकि आप 10 बार उठोगे नहीं। थर्ड, टीवी या रेडियो लगाकर सेल्फ स्टडी ना करें। फोर्थ, सेल्फ स्टडी के दौरान मोबाइल ना देखें। फिफ्थ, सेल्फ स्टडी करते समय जहां आपके घर वाले बातें करते हो वहां ना बैठें। सिक्स्थ, सेल्फ स्टडी करते समय लेट कर ना पढ़े। सेवेंथ, सेल्फ स्टडी करते समय जिस लेसन की सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके रिलेटेड आपके पास जितना भी स्टडी मटेरियल है उसका आप इस्तेमाल करो, उसका उपयोग करो, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। एट, सेल्फ स्टडी का मकसद यानी सेल्फ स्टडी का पर्पस एक ही होना चाहिए और वो है 100% अंडरस्टैंडिंग। उस 100% अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लो कि वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड इज इक्वल टू अ सेंटेंस, फिर सेंटेंस प्लस सेंटेंस प्लस सेंटेंस इज इक्वल टू अ पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ प्लस पैराग्राफ प्लस पैराग्राफ इज इक्वल टू अ लेसन। मतलब आपको उस लेसन के हर वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए, आपको हर सेंटेंस और हर पैराग्राफ का मीनिंग मालूम होना चाहिए, आपको पूरा का पूरा लेसन अंडरस्टैंड करना होगा। आपको अगर उस लेसन में ज़रा भी डाउट है, तो उसी समय आप आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या नेबर या मम्मी पापा से पूछो, लेकिन डाउट्स को बिना क्लियर करे उस लेसन की सेल्फ स्टडी बंद करके मत उठो। नाइन्थ, नोट्स देखकर होमवर्क के नोटबुक में लिखने के लिए बैठना मतलब सेल्फ स्टडी नहीं है। टेंथ, सेल्फ स्टडी होने के बाद मतलब लेसन 100% समझने के बाद अगर आप वही लेसन एज अ टीचर आपके फ्रेंड को या मम्मी पापा को या आपके छोटे भाई बहन को या बड़े भाई बहन को एक्सप्लेन करते हो या पढ़ाते हो, तो वो लेसन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, तो आप उस लेसन को आसानी से भूल नहीं सकोगे, कभी भी भूल नहीं सकोगे। इस सेल्फ स्टडी के बाद
स्कूल की एग्जाम या बोर्ड की जो एग्जाम है उस तक जो भी पढ़ाई होती है तो उसे कहते हैं हम रिवीजन। इस रिवीजन के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि स्कॉलर स्टूडेंट्स परसेंटेज बढ़ाने के लिए कैसे और कब रिवीजन करते हैं। और इलेवेंथ, अगर स्टूडेंट फर्स्ट टू फोर्थ में है तो उसे आधे से एक घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अगर स्टूडेंट फिफ्थ टू सेवेंथ में है तो उसे रोज एक से डेढ़ घंटा सेल्फ स्टडी करनी चाहिए जिसमें होमवर्क नहीं आता है। स्टूडेंट अगर एट या नाइन्थ में है तो उसे डेढ़ से दो घंटा सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और स्टूडेंट अगर टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ में है तो उसे हर रोज तीन से चार घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो उसमें उसके बाद अगर पढ़ने के बाद रिवीजन भी आती है लेकिन तीन से चार घंटे उसे रोज पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके इस साल के परसेंटेज डेफिनेटली 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 बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले हमारे नए नए वीडियोस जो आपके एजुकेशन लाइफ में इम्प्रूवमेंट करेंगे वो आपको बड़ी आसानी से हमारी तरफ से मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आई विश यू ऑल द बेस्ट।